हेलो प्यारे दोस्तों, कैसे हाल चाल है? उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। अगर अच्छे नहीं हैं तो आज होपफुली अच्छे हो जाएंगे। आज हम बातचीत करेंगे, लॉन्ग टाइम नो सी। मेरी कोशिश होती है कि मैं बहुत ज़्यादा वीडियोस अपलोड करूँ। मैं बहुत सारी वीडियो शूट भी करती हूँ, पर बहुत बार ऐसे होता है कि मैं अपलोड नहीं कर पाती हूँ फॉर सम रीजंस। उसके पीछे रीज़न है कि कई बार ना मैं किसी एक ही पर्टिकुलर चीज़ के पीछे लग जाती हूँ एंड फिर मेरा सारा फोकस उसी चीज़ पर होता है। सो पिछले कुछ दिनों से यही काम कर रही थी मैं। उसके बारे में मैं ज़्यादा डिस्कशन नहीं करना चाहूँगी क्योंकि मुझे पता चला है कि चीज़ों को सीक्रेट रखना चाहिए इस चीज़ से रिलेटेड। सो आज हम बात करेंगे कॉन्फिडेंस के ऊपर। होपफुली इस वीडियो को देख के आप में थोड़ा सा कॉन्फिडेंस का चेंज तो ज़रूर से आएगा। अभी कॉन्फिडेंस क्या है? कॉन्फिडेंस ये नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा खूबसूरत कपड़े पहन के बहुत ज़्यादा मॉडल जैसे बन जाएं तो आप में कॉन्फिडेंस आ जाएगा। कॉन्फिडेंस है कि जैसे भी आप हैं उसे आप एक्सेप्ट कर लेते हैं कि ये तो मैं हूँ। अरे मुझे ना अशोक की वो वीडियो याद आ रही है जिसमें वो बोल रहे हैं कि इंस्टाग्राम पे आपने देखी होगी ज़रूर से कि अपने आप को अपने आप के जैसा ही बिहेव करें, अच्छे तो अच्छे बुरे तो बुरे। आप अपने आप को मान लीजिए कि मैं ऐसा ही हूँ। जब हम मान लेते हैं ना कि मैं ऐसा ही हूँ तो आप अपने आप को एक्सेप्ट कर लेते हैं जैसे भी आपकी सिचुएशन हो। आप जैसे भी दिखते हो, आप मोटे हैं, पतले हैं, काले हैं, गोरे हैं, स्किनी हैं, सो आप जब एक्सेप्ट कर लेते हैं ना तो अलग सा कॉन्फिडेंस आ जाता है बंदे को। आपने देखा होगा आजकल के सोशल मीडिया के ज़माने में बहुत सारा खूबसूरत दुनिया है इस संसार में, बहुत ज़्यादा एक से एक खूबसूरत बंदा आपको मिल जाएगा। एंड जितना वो खूबसूरत है उतना ही वो इनसिक्योर होंगे क्योंकि उनको बहुत डर लगता है। मैंने रिसेंटली एक इंटरव्यू देखी किसी हॉलीवुड स्टार की, मूवी स्टार की, उसे कितना डर लगता है बुढ़े होने से। यू नो, चेहरे पर रिंकल आ जाएंगे, वो जैसे मूवीज में दिखती है फिर नहीं दिखेगी। कि खूबसूरत लोगों की अपनी ही एक स्ट्रगल है। एंड आजकल आपने देखा होगा कि सोशल मीडिया पे आपको ऐसे लोग आराम से मिल जाएंगे जो नॉट सो खूबसूरत हैं बट वो इतने कॉन्फिडेंट हैं, एक्चुअली वो बिलो खूबसूरत हैं। कई बहुत ज़्यादा स्किनी हैं, कोई बहुत ज़्यादा काले हैं, किसके दांत टूटे हुए हैं, बट फिर भी उनमें इतना कॉन्फिडेंस है कि उनके कितने सारे फॉलोअर्स हैं। जब आप कॉन्फिडेंट होते हैं ना, अपने आप को एक्सेप्ट कर लेते हैं, आप फुल ऑन लाइफ जीते हैं और आपकी इस फुल ऑन लाइफ जीने के चक्कर में आप बहुत सारी दुनिया को अट्रैक्ट कर लेते हैं क्योंकि कॉन्फिडेंस हर को अट्रैक्ट करता है। इसीलिए हम कॉन्फिडेंट बनना चाहते हैं, शायद इसीलिए आप ये वीडियो देख रहे होंगे। अनलेस आप मुझे प्यार करते हैं तो फिर वैसे ही देख रहे होंगे, पर अगर आप ये वीडियो कॉन्फिडेंट होने के लिए देख रहे हैं तो यस, पहला स्टेप है कि अपने आप को एक्सेप्ट कर लें। इस वीडियो में हम ये बातें नहीं करेंगे कि कैसे कपड़े पहने, कैसे बाल होने चाहिए। यस, वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है, बट अंदर से जो कॉन्फिडेंस आता है वो सबसे ज़्यादा मैटर करता है। सो सबसे पहले जैसे भी आप हैं एक्सेप्ट करें अपने आप को, क्योंकि आप चेंज नहीं कर सकते। अगर आप चेंज करना भी चाहते हैं कि आपके लिप्स पतले हैं, मोटे करना चाहते हैं, नाक को थोड़ा तीखा करना चाहते हैं, जॉ को थोड़ा तीखा करना चाहते हैं, तो वो आप नहीं होंगे। वो सर्टन टाइम के लिए आपको खुशी दे सकता है, कॉन्फिडेंस दे सकता है, पर फिर आपको कुछ और चाहिए होगा। सो इससे बेहतर है कि सही तरीके को फॉलो करके अपने आप में चेंजेस लाएं। अगर आप खाने में अच्छे नहीं हैं या फिर आप गलत चीज़ें खाते हैं, आप ड्रग्स करते हैं, दारू पीते हैं, तो इन चीज़ों में आप ज़रूर से कमी लाएं, चेंजेस लाएं, तो आपको अपनी बॉडी में भी चेंज दिखेंगे। अगर आप बहुत जंक खाते हैं तो अच्छा हेल्दी खाएं। अगर आप कोई भी किस्म का वर्कआउट नहीं करते हैं तो जो नेचुरल तरीके से अपने आप को चेंज करने की कोशिश करें, यू नो, इंजेक्ट करवा के या फिर सर्जरियाँ करवा के, वो टेम्परेरी चेंजेस आप फुल ऑन कॉन्फिडेंस नहीं देगा क्योंकि कॉन्फिडेंस जो अंदर से आने वाला है वो नहीं आएगा। वो तभी आएगा जब आप अपने आप को जैसे भी हैं एक्सेप्ट कर लेते हैं। सो दैट्स स्टेप नंबर वन। कॉन्फिडेंस के लिए ना एक और जरूरी बात है कि के साथ जो कुछ भी हो रहा है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद से लेना शुरू कर दें। अलग सा कॉन्फिडेंस आता है इस चीज़ से। हम जैसी हमारी परवरिश है, या मुझे लगता है हर एक इंसान की नेचर होगी कि हमें एक बंदा चाहिए जिसको हम रिस्पॉन्सिबल ठहरा पाएं कि हमारे साथ जो कुछ भी हुआ वो तुम्हारी वजह से हुआ। सो बहुत सारे बच्चों को अच्छा लगता है अपने पेरेंट्स को रिस्पॉन्सिबल ठहराना कि मैं ऐसा हूँ क्योंकि मेरी परवरिश अच्छी नहीं हुई है, मेरे पेरेंट्स ने मुझे ऐसा रेज किया। पेरेंट्स तो वैसा ही रेज करेंगे जैसा उन्होंने सीखा है या जैसा उनका संस्कार है, वो आपको अलग से कैसे रेस कर देंगे। एंड किसी भी पेरेंट्स में कोई परफेक्शन नहीं होती है कि हर चीज आपको वो परफेक्टली देंगे। जब उनको ब्लेम करना बंद कर देंगे और रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे कि जो कुछ भी मेरे साथ हो रहा है, मेरे सराउंडिंग में हो रहा है, वो उसकी जिम्मेवार मैं ही हूँ। ये एक किस्म की इनसिक्योरिटी है जब हम रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेके अपने दोस्तों पर ब्लेम कर देते हैं कि ओ, मैं एग्जाम में फेल हो गया क्योंकि मेरे दोस्तों ने नहीं पढ़ाई की। उन्होंने नहीं पढ़ाई की पर आप तो कर लेते, आप
फेल हुए हैं क्योंकि आपने नहीं की है, आपके दोस्तों की, आपके सोसाइटी की या पेरेंट्स की कोई गलती नहीं है। सो खुद से रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना शुरू करें। कुछ भी सिचुएशन हो, थोड़ी देर के लिए दुख मनाया करें, बट फिर आप सोचें कि ये जो सिचुएशन है मेरी वजह से है, इसे मुझे इम्प्रूव करना है, एंड मैं कौन से स्टेप लूँ कि मैं इससे बाहर आ पाऊँ। सो सारी जो चीज़ें आपके साथ हो रही हैं, आपका बॉयफ्रेंड अच्छा नहीं है, आपके पति आपसे परेशान है, वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ना खुद से लें कि आप अब क्या करेंगे इन चीज़ों को चेंज करने के लिए, अपनी सिचुएशन को चेंज करने के लिए आपको क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए। सिर्फ ब्लेम करके और ज़्यादा दुखी हो के रो के आपकी ज़िंदगी दुखी होगी, आपका कॉन्फिडेंस तो ज़ीरो हो जाएगा, क्योंकि आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस ही नहीं है। आप सोचते हैं कि जो कुछ भी आपके साथ हो रहा है वो बाहरी चीज़ों के वजह से हो रहा है, पर एक्चुअली वो इंटरनल चीज़ों की वजह से हो रहा है। हम जैसे होते हैं हम वैसे ही सिचुएशंस को अट्रैक्ट कर लेते हैं हमारी ज़िंदगी में। सो जितना आप अच्छा, हैप्पी, कॉन्फिडेंट, पॉजिटिव होंगे, वैसी ही कॉन्फिडेंट पॉजिटिव सिचुएशन आप अपने आसपास ले लेंगे, क्योंकि एक मैग्नेटिक की तरह चीज़ काम करती है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, लॉ ऑफ वाइब्रेशन। अभी लॉ ऑफ अट्रैक्शन है कि आप इतना कॉन्फिडेंट हैं कि आपके साथ कुछ बुरा नहीं हो सकता है, तो आपके साथ बुरा नहीं होगा, क्योंकि आप ऐसी ही वाइब्रेशन यूनिवर्स में छोड़ रहे हैं। मुश्किल है पर प्रैक्टिस के साथ ही किया जा सकता है। जितना आप अपने आप को बेहतर बनाते जाएंगे उतना ही आपकी वाइब्रेशन अच्छी होती जाएगी, उतना ही लॉ ऑफ अट्रैक्शन आप पे काम करेगा। सो आज से डिसाइड कर लें कि आप अपनी चीज़ों की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद से लेंगे, कि अगर आपके साथ कुछ गलत हो रहा है, ऐसे मत कहें कि मेरी जॉब की वजह से हुआ, मेरे पेरेंट्स की वजह से हुआ, ये आप ही की वजह से हुआ है, ये ऐसा ही होना था, अभी मूव ऑन, या रिस्पॉन्सिबिलिटी लें, इट्स ओके एंड मूव ऑन, एंड उससे अपने कॉन्फिडेंस को डगमगाने मत दें। जैसे मैंने अर्लियर बताया कि सोशल मीडिया पे ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो बहुत ज़्यादा खूबसूरत नहीं हैं, इवन थोड़े फनी लुकिंग भी हैं। अभी ऐसे रब ने बनाए बंदों का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, जैसा भी रब ने बनाया, बट उनकी इस चीज़ की मैं तारीफ़ करना चाहूँगी कि वो इतना कॉन्फिडेंट है कि उनको परवाह नहीं है। कॉन्फिडेंस इज इक्वल टू नॉट केयरिंग। वो परवाह नहीं करते हैं कि वो कैसे दिखते हैं, वो बस आउट देयर हैं, वो जो भी परफॉर्म करना चाहते हैं, अगर उनको कुछ बोलना है, कुछ मेकअप दिखाना है या फिर डांस करके दिखाना है, उनको पता है कि उनका डांस बिल्कुल अच्छा नहीं है, बट फिर भी वो कर रहे हैं और लोग उनको पसंद भी कर रहे हैं। इसमें उनके कॉन्फिडेंस की दाद देनी चाहिए। एंड यहाँ पे ये भी है कि कॉन्फिडेंस इज इक्वल टू नॉट केयरिंग। उनको बेशक 1000 कमेंट्स आते हों, 1000 के 1000 बुरे हों, पर वो नहीं परवाह कर रहे हैं, वो फुल ऑन अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं, जिसकी वजह से लोगों को भी अच्छा लग रहा है कि यार। और कई लोगों के पास सब कुछ होता है, वो बहुत खूबसूरत है, बहुत नॉलेज है, बहुत विजडम है बताने के लिए, बट फिर भी वो बाहर नहीं आ पाते हैं क्योंकि कॉन्फिडेंस की कमी है। सो देखें आप, कॉन्फिडेंस इज इक्वल टू नॉट केयरिंग कि लोग क्या कहेंगे, क्योंकि लोग तो कुछ तो कहेंगे, राइट। एंड दूसरी चीज़ है कि आपके पास इस दुनिया में बहुत ही लिमिटेड समय है, अच्छे होंगे आप, खुश नसीब होंगे कि 80 तक चले जाएँ, पर आज तक मैंने लगा हमारी जो जीन्स हैं उसमें 80 भी बहुत रेयर ही होता है। सो इतने छोटे समय के लिए आप इस धरती पे आए हैं, जो भी करना चाहते हैं फुल फ्लज पूरे दिल से करें, एंड लोगों की रिव्यूज़ की परवाह मत करें। अनलेस आप की जो एक्शंस हैं वो किसी को ठेस पहुंचा रहे हैं, किसी जीव जंतु, किसी भी रब की क्रिएशन को हर्ट हो रहा है, तो वो गलत है। पर अगर आप किसी को कुछ ठेस नहीं पहुंचा रहे, किसी को कुछ दुख नहीं हो रहा, तो डू वट एवर यू वॉन्ट टू डू, क्योंकि जब आप मर जाएंगे ना, तो यहाँ पे आपको कोई याद नहीं रखने वाला है। आप देखेंगे कि बहुत बड़े सेलिब्रिटीज़ या फिर बहुत बड़े महान लोग जिन्होंने बहुत कुछ अमेजिंग किया है, जब वो इस दुनिया को छोड़ के जाते हैं ना, तब भी लोग बहुत लंबा समय तक याद नहीं रखते हैं, थोड़ी देर रोते हैं, बट फिर भूल जाते हैं, फिर वो हिस्ट्री के पेजेस में दब जाते हैं वो लोग। सो आपको और मेरे जैसे लोगों को कौन याद करेगा। सो फुल फ्लज जिए, जो आप करना चाहते हैं करें, लोगों की परवाह मत करें, बस मेक श्योर करें कि आपके एक्शन के साथ किसी को कोई दुख ना पहुंचता हो। ये तो आपने सुना ही है कि आप वैसा ही बिहेव करते हैं जैसे आप ग्रुप में रहते हैं, जैसे आपके दोस्त हैं। सो कोशिश करें कि अगर आपके दोस्त नेगेटिव हैं, इनसिक्योर हैं या बहुत ज़्यादा अंडर कॉन्फिडेंट हैं, उनसे थोड़ा सा दूर रहें। ऐसे लोगों की दोस्ती में जाएं जो आपको बूस्ट करते हों, नेगेटिव ना हों और इनसिक्योर ना हों, क्योंकि अगर आप बहुत कॉन्फिडेंट भी होंगे वो भी आपको ओवरशैडो कर देंगे, वो भी आपको दबा देंगे, वो भी आपकी ये खूबसूरत क्वालिटीज़ को डाउन कर देंगे, क्योंकि वो लोग डाउन हैं। सो बहुत बार ऐसे होता है कि हमारे पक्के पक्के दोस्त हैं जो बचपन के, और कुछ
समय के बाद हम दोनों की ये सोच डिफरेंस हो जाती है। इसमें कोई शर्म वाली बात नहीं है, आपने उनका ग्रुप आउटग्रो कर दिया है, अब आपको नए दोस्त चाहिए। अगर आपको अच्छे दोस्त मिलते हैं ज़रूर से उनके साथ स्टिक करें, अगर नहीं है तो खुद से देखें कि आप अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए क्या क्या कर सकते हैं। हमेशा कुछ ना कुछ नया सीखते रहें, जितनी आपको नॉलेज होगी उतना ही आप कॉन्फिडेंट फील करेंगे। बहुत सारी पढ़ाई करें, बहुत सारी बुक्स रीड करें, ऐसे प्यार वाले नॉवल्स ही मत रीड करते रहें, ऐसे चीज़ों को पढ़ें जिससे आपकी एजुकेशन में थोड़ा वाधा हो, थोड़ी आपको अकल आए। आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो देखने में बहुत अच्छे दिखते हैं एंड बहुत ही मज़ेदार है, आप सब उनसे अट्रैक्ट हो जाते हैं, बस जैसे ही मुँह खोलते हैं आपको लगता है कि what is going on? So, अगर आप बहुत अट्रैक्टिव नहीं भी दिखते हैं पर अगर आपको नॉलेज बहुत अच्छी है तो लोगों को आपको सुनना बहुत अच्छा लगेगा। सो जितनी आप नॉलेज बढ़ा सकते हैं, जितनी आप अपनी हॉबीज़ को इन्हेंस कर सकते हैं, उतना ही आप कॉन्फिडेंट फील करेंगे। सो ये मत सोचें कि आपने दुनिया में सबको सीख लिया है, सीखते रहें, कुछ ना कुछ सीखते रहें, बहुत कुछ है लर्न करने के लिए। जो भी चीज़ आपको अट्रैक्ट करती है उसी चीज़ को स्टिक करें एंड सीखते रहें ताकि कल जब आप किसी से बात करेंगे तो आप कॉन्फिडेंट होंगे उस टॉपिक को लेके, उस मुद्दे को लेके, एंड आपके पास करने के लिए बहुत सारी बातें होंगी। जब आपको लोग सुनते हैं एंड आपको पता चलता है कि यार आई एम इम्पॉर्टेंट, एंड फिर आपका जो कॉन्फिडेंस अंदर से बूस्ट होता है ना, उसका कोई मुकाबला नहीं है। सो हमेशा अपने आप को बेहतर बनाने के लिए कुछ ना कुछ ज़रूर से करते रहें। एंड दूसरी चीज़ है कि जब भी आप किसी के साथ कन्वर्सेशन करते हैं उसको अपना 100% दें, अटेंशन दें, लिसन करें प्रॉपरली कि वो कहना क्या चाहता है। इवन आप कौन सी कन्वर्सेशन हो रही है उसमें से उनसे कोई क्वेश्चन भी पूछ ले, जैसे कोई आपको अपनी बचपन की कोई बात बता रहा है, आपने थोड़ी सी बात सुनी एंड फिर आप मिडल में उनसे पूछ सकते हैं कि फिर आपके साथ तब क्या हुआ जब आपने स्कूल छोड़ के दूसरा स्कूल ज्वाइन किया, तो उनको पता चलेगा कि यार ये मेरी सारी बातें सुन रहा है। एंड इससे उस बंदे को आपके साथ बात करना बहुत अच्छा लगेगा, आप में भी कॉन्फिडेंस आएगा कि आप हर एक इंसान के साथ कितना अच्छा बिहेव करते हैं। इससे आपको सुनने के लिए भी मिलेगा, क्योंकि आजकल के ज़माने में सब लोगों के पास बताने के लिए बहुत सारी चीज़ें, सुनता कोई है ही नहीं। आप देखेंगे कि आप कुछ बता रहे हैं, आपको काट के अपनी बात शुरू कर देते हैं, तो फिर आप चुप कर जाएं और उनको सुन लें। दूसरी चीज़ कि बंदे की वर्दी को देख के परफॉर्म मत करें, अच्छे इंसान बन के रहें, काइंड एंड हम्बल। कि कुर्सी को देख के सलाम मत करें, आप जैसा ऑफिसर के साथ बिहेव करते हैं वैसा ही आप बाहर खड़े वॉचमैन के साथ भी बिहेव करें, क्योंकि अच्छा इंसान बनना बहुत अच्छी क्वालिटी है। आप बहुत कॉन्फिडेंट फील करेंगे, आपको अपने आप में अच्छा लगेगा कि मैं अच्छा बंदा हूँ। क्योंकि जब हम किसी ऑफिसर या किसी बड़ी पोजीशन वाले बंदे से बहुत प्यार से बात करते हैं, सर मैडम बोलते हैं, एंड फिर वेटर को वेटर बोल दिया, या वेटर हो सकता है या वॉचमैन हो सकता है, उसके लिए ए दरवाज़ा खोल ऐसे करते हैं, तो फिर आपकी एक्चुअल पर्सनैलिटी पता कौन सी है जो जैसे आप वेटर या वॉचमैन के साथ बिहेव करते हैं, क्योंकि वहाँ पर आप ना रियल हैं, आप फेक नहीं हैं, और जो आप पोजीशन को देख के बिहेव कर रहे हैं वो फेक है। सो हर एक के साथ अच्छा बिहेव करें, अच्छा बिहेव करने में कोई पैसा नहीं लगता है, उसमें आप ही का किरदार बेटर होता है और आप ही अंदर से कॉन्फिडेंट फील करते हैं। एक और चीज बताना चाहूंगी, कॉन्फिडेंस सिर्फ बाहरी रूप से नहीं होता है कि आप बहुत सज संवर गए और आप में कॉन्फिडेंस आएगा। बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा कि बहुत सुंदर कपड़े पहनते हैं पर वो चलने में ही आपको पता चल जाएगा कि वो बहुत अनकंफर्टेबल है, कॉन्फिडेंट नहीं है। सो कॉन्फिडेंस जो हमारे अंदर से आता है ना, ये बहुत लंबे समय से है। आपको पता है कि जो हमारा DNA है कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सो हमारे DNA के अंदर जो ट्रॉमा है, फियर है, वो हमारे दादे, परदादे और फोर फादर्स का भी है। सो जब तक हम अपने अंदर काम नहीं करते हैं तो वो ट्रॉमा हमारे बच्चों में भी पास हो जाएगा। सो आपको ये इनिशिएट लेना है कि आज आप आखिरी है उस चेन के जिसके अंदर ये ट्रॉमा चल रहा है और आप में कॉन्फिडेंस आ ही नहीं रहा है, उसको कट करके, अपने आप को हील करके, अपने शैडो वर्क करके आप को वो आगे अपने बच्चों को पास ऑन नहीं करना है। सो अपने आप पे काम कैसे किया जा सकता है, मेडिटेशन बहुत अच्छा काम करती है। किसी भी किस्म की मेडिटेशन, अगर आप रिलीजियस हैं तो बहुत अच्छा है। किसी भी तरह का मंत्र जाप, किसी भी तरह कोई भी माइंडफुलनेस एक्सरसाइजेस करें एंड अपने आप को हील करें। आपको पता भी नहीं होगा कि आप कई बार बहुत लो फील करते हैं या कोई ऐसी डिजीजेज आपको आ गई हैं, वो कहाँ से आई, मेरी फैमिली में कहीं पर भी नहीं है, पर वो हमारे
अंदर का जो ट्रॉमा है या हमारा वुंडेड इनर चाइल्ड है वही ये सारी चीज़ें क्रिएट करता है, एंड कॉन्फिडेंस भी वन ऑफ दोज है। अभी वो बीमारी क्रिएट कर सकता है तो ऑब्वियसली आपका कॉन्फिडेंस तो आपसे छीन ही सकता है, क्योंकि पता नहीं हमारे जो फोर फादर्स थे उन्होंने कितना पेन सहा होगा, कितना उनको फियर हुआ होगा, आई डोंट नो उन्होंने क्या क्या देखा होगा। सो वो सारा ट्रॉमा हमारे अंदर अभी भी हम संभाल के बैठे हैं। सो इसलिए आजकल के ज़माने में किसी भी किस्म की स्पिरिचुअलिटी को फॉलो करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर तो आप भगवान में बिलीव करते हैं, रब, अल्लाह, गॉड, जिसमें भी, तो बहुत अच्छा है, आप उनको अपना मान के इष्ट मेडिटेट कर सकते हैं। पर अगर आप नहीं भी मानते हैं तो बस इस चीज़ को तो आप मानते होंगे कि कोई यहाँ पे सुप्रीम पावर है जो सारे यूनिवर्स को डील कर रही है, उसी को माने एंड मेडिटेशन करें, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करें एंड ध्यान करें। ध्यान करना लाइक अपने आईब्रोज के मिडल में फोकस करके ध्यान करना एंड अपनी ब्रीदिंग पे कॉन्सेंट्रेट करना, इससे देखेंगे आप कि कॉन्फिडेंस अंदर से आ रहा है एंड आप हील हो रहे हैं एंड आप जिंदगी को ज़्यादा इंजॉय कर रहे हैं एंड हर पल को जी रहे हैं। बहुत कम समय है हमारे पास डर डर के जीने के लिए एंड दुख में जीने के लिए, सो प्लीज़ गाइस जीना शुरू कर दें। मैंने लगा मेरी अद्धी ज़िंदगी निकल गई है, अद्धी से भी कम शायद बाकी होगी। सो अगर आप भी मेरी तरह हैं तो प्लीज़ जीना शुरू करें एंड लोगों की परवाह करना बंद करें एंड टॉक्सिक लोगों से दूर रहें एंड किसी भी किस्म की स्पिरिचुअलिटी को ज़रूर से फॉलो करें। एक और चीज़ हमारा ना कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा बढ़ाती है कि जो भी आपके रूल्स हैं कि मैं ज़िंदगी को ऐसे जीऊँगा या फिर आपकी जो बाउंड्रीज हैं उसको मेंटेन करके रखें। ऐसा नहीं है कि आज आपने कहा कि मुझे अच्छा नहीं लगता अगर आप मेरे साथ मजाक करें एंड कल आपने कहा कि चल यार कोई गल नहीं। आप ही अपनी बाउंड्रीज की रिस्पेक्ट नहीं करेंगे तो लोग भी नहीं करेंगे। आपने देखा होगा कि आपके कुछ ऐसे दोस्त हैं जिसके साथ आप कैसा भी बिहेव कर सकते हैं, बदतमीजी कर सकते हैं, उसको एवं ट्रीट कर सकते हैं, वो बुरा नहीं मानेगा। बट दूसरा दोस्त है जिसके साथ आपको पूरा अच्छी तरह बिहेव करना पड़ता है क्योंकि वो गुस्सा कर जाता है। सो उस बंदे ने जो गुस्सा कर जाता है उसने बाउंड्रीज सेट करके रखी हैं कि मेरे साथ यहाँ तक आप मजाक कर सकते हैं या यहाँ तक आप मैं झेल सकता हूँ, उसके बाद नहीं। एंड ये वाला बंदा जिसके साथ आप कैसे भी बिहेव करते हैं, उसकी बेइज्जती कर देते हैं, उसका मजाक उड़ाते हैं, उसकी कोई बाउंड्रीज नहीं है। सो जितनी आपकी बाउंड्रीज होंगी उतना आप कॉन्फिडेंट फील करेंगे और आपको पता है कि कौन आपके साथ कैसा बिहेव करेगा। अगर आप ही अपनी बाउंड्रीज की रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, अपने रूल्स की रिस्पेक्ट नहीं करेंगे तो लोग कैसे करेंगे, उनको पता है कि इसके साथ कुछ भी करो चलेगा। फॉर एग्जाम्पल हमारा एक दोस्त है जो ड्रिंक नहीं करता है, बट उसने मुझे कहा कि वो तब ड्रिंक कर लेता है जब उसको कोई बहुत ज़्यादा पुश करेगा। तो व्हाट इज़ दिस, उसकी कोई बाउंड्रीज ही नहीं है कि उसको कोई भी पुश करे कि पीला 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 वो पी लेगा, पर अगर वैसे वो नहीं पीना पसंद करता है। अगर आपका रूल है कि आप दारू नहीं पीते हैं तो नहीं पीते हैं, जो मर्जी हो जाए, दुनिया इधर की इधर हो जाए, आप नहीं पियेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अल्कोहल नहीं पीती हूँ, कभी पी भी नहीं है मैंने, मेनू कोई कैसे चेंज कर सकता है जब मेरा रूल है। एक बार मैं किसी दोस्त से मिली, उसने कहा कि पी लो कोई बात नहीं। मैंने लगा कि यार मैं तुम्हें पहली बार मिल रही हूँ एंड तुम्हारे कहने से मैं पी लूँगी, लाइक ये क्या बात हुई। फिर अगली बार जब भी हम मिले उसने मेरे सामने खुद से भी दारू नहीं पी, उसने कहा कि ओ मैं भी नहीं पीती हूँ। अब मेरी बाउंड्री सेट हो गई कि उसे पता है कि इसे नहीं कह सकते क्योंकि ये नहीं पिएगी। बेचारी उसने भी पीना बंद कर दिया मेरे सामने, उसे भी अजीब लगा। या दारू पीना बुरी बात नहीं है, जिसको अच्छा लगता है जो भी करे, पर जो किसी के जीवन के रूल्स हैं वो रूल्स हैं, वो किसी के पुश करने से आप चेंज नहीं कर सकते हैं। एंड अगर आप लोगों को पता चल जाएगा कि इसके जीवन के ये रूल्स हैं तो फिर वो आपको बात करना भी बंद कर देंगे। सो इस तरह अपनी बाउंड्रीज को सेट करके रखें, कॉन्फिडेंट फील करेंगे आप कि यस दैट्स मी। और जितना अपने आप को जानेंगे उतना ही अच्छा है। मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि हमें पता ही नहीं होता कि हम है कौन। सो रिसेंटली पिछले कुछ हफ्ते मैंने इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा काम किया। जब मैं छोटी थी मेरा बहुत मन करता था जानने के लिए कि मैं कौन हूँ। मैं जब शांति में बैठती थी ना तो मैं सोचती रहती थी मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आई हूँ, लाइक कौन है मेरे अंदर ये जो आत्मा परमात्मा, ये आत्मा जो मेरे अंदर है कहाँ से आई है, हु आई एम। सो रिसेंटली मैंने ना ये स्पिरिचुअलिटी एस्ट्रोलॉजी में यही पढ़ती रहती हूँ, मैं सारा दिन मेरा इसी रिसर्च पे जा रहा है। तो मुझे ये रमना महर्षि के बारे में पता चला कि उन्होंने एक ही चीज़ बोली है देखने के लिए कि अगर आप जान जाएं कि आप कौन हैं, हु एम आई, यू आर डन। जब आपको ये चीज़ का पता चल जाता है कि मैं कौन हूँ, हु एम आई, जब आपको इस चीज़ का पता चल जाता है कि मैं कौन हूँ, तो आपको सारी सच्चाई दिख जाती है कि जो भी हम ये काले माले में पड़े हैं पैसे कमाने में, लोगों को इम्प्रेस करने के लिए, शो ऑफ करने के लिए, यह सारा कुछ
नथिंग है. यस वो चीज़ें ज़रूरी है जब आप जीवन जीते हैं. मटेरियल चीज़ें भी बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके बिना आप नहीं रह सकते. पर ज़िंदगी की असलियत और सच्चाई कुछ और है. सो जब आप अपने अंदर इन चीज़ों पर वर्क करते हैं ना कि मैं कौन हूँ, मुझे क्या अच्छा लगता है, किस चीज़ से मुझे खुशी मिलती है, किस चीज़ से मुझे एंगर होती है, और अपने आप को जितना आप कंट्रोल कर सकते हैं अपने इमोशंस को, डिज़ायर्स को, और जितना अपने ऊपर काम करेंगे उतना ही आप कॉन्फिडेंट फील करेंगे कि बाहर की सिचुएशंस आपको नहीं हिला सकती है अनलेस आप अंदर से हिल जाएं. आई होप आई एम मेकिंग सेंस. दूसरी चीज़ है कि आपके पास से क्या कुछ है, आप कितने अमीर हैं, आपके पास कितना पैसा है, आप कितनी ब्रांडेड गाड़ियाँ हैं, कितने ब्रांडेड बैग्स हैं, किसी को फ़र्क नहीं पड़ता है. अगर आप ऐसे फ्लैक्स करते हैं कि इससे आप कॉन्फिडेंट लगते हैं, नहीं लगते हैं, नोबडी केयर्स. आपके पास जो कुछ भी हो उससे किसी और को क्या लेना देना. अगर आपको लगता है कि अगर आपकी ये शोभो देख के वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाएंगे और आपके पीछे पीछे घूमेंगे, तो ऐसा नहीं होता है. आप पिछले साल हमारे घर ना कोई गेस्ट आए, मैं उनको जानती नहीं थी. मेरे फ्रेंड मेरे हस्बैंड के कोई फ्रेंड था, पता इतना ज़्यादा खास दोस्त नहीं था, ओके काइंड का था. तो वो हमारे वो कैलगरी घूमने के लिए आए थे, तो हस्बैंड ने कहा कि हमारे घर आ जाओ. वो हमारे घर आ गए, उनकी वाइफ ने ना बहुत ड्रेस पहन के रखी थी. उनकी वाइफ ने ना कुछ और भी मुझे दो चार चीज़ें बोली जिसके बारे में मैं बहुत थोड़ा दुखी हुई थी. मैं उसके बारे में बोलना भी चाहती थी, फ्यूचर में बोलूँगी किसी वीडियो में. सो ना वह कुछ बुरा नहीं हुआ, सारा कुछ अच्छा था. बट वो उनके पास ना कोई बैग था, एड्डा कोई बड़ा खास ब्रांड नहीं था, ठीक ठाक था. तो ना जब वो बैठी, उन्होंने ना उनका बैग ऐसे रख दिया, जैसे सीधा ऐसे ना सीधा बैग रख दिया, और मैं सामने बैठी थी, मुझे पता नहीं चल रहा था कि वो बैग कौन सा है. तो उन्होंने इधर उधर देख के बैग ऐदा कर दिया कि मुझे पता चलेगा कि बैग का लोगो क्या है, और मैं कहूँ कि ओ माय गॉड दिस इज सच अ ब्रांडेड बैग, और मैं तुम्हारी फ़ैन बनी, मेरी बेस्ट फ्रेंड बन जाओ. ऐसे होता है, नहीं होता है. इससे ना आप थोड़े आपका भी जो करेक्टर ना लगता है कि यार केड़ी चीज़ पे आ गए ये लोग, कि ये चीज़ों से ना किसी को फ़र्क नहीं पड़ता. अगर आप वो वाले बंदे ना जिसको ब्रांड दिखाना, फ्लैश करना अच्छा लगता है कि लोग कहेंगे कि ओ माय गॉड, नहीं कहेंगे लोग, बल्कि आप ही को लोग कहेंगे कि यार. सो ऐसे चीज़ों के अगर आप समवन हैं जिसको शो ऑफ करना अच्छा लगता है, किसी को कुछ इंटरेस्ट नहीं है कि आपके पास क्या है, अनलेस आप उनको भी दे रहे हैं जो आपके पास है, उनको भी कहें कि यार ये मैंने गुच्ची लिया है तुम भी ले लो, तब तो है. नहीं तो अदरवाइज़ शो ऑफ करने की ज़रूरत नहीं है, वो आपको कॉन्फिडेंस नहीं देता. वो इस किस्म की चीज़ है कि आपको अप्रूवल चाहिए किसी और का, और लोग इम्प्रेस नहीं होते हैं, लोग इम्प्रेस नहीं होते. सो डोंट डू दैट. हमेशा आपको परफेक्ट होने की ज़रूरत नहीं है. मेरी प्रॉब्लम है ये कि बहुत सारी चीज़ें मैं इसीलिए कर नहीं पाती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि जब मैं करूँगी मैं परफेक्शन के साथ करूँगी. सो बहुत सारे मेरे जो प्रोजेक्ट हैं, बहुत सारे मेरे टास्क हैं, वो ऐसे रह जाते हैं, क्योंकि परफेक्शन दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करती है. फ्लॉलेस चीज़ें एग्जिस्ट नहीं करती हैं, किसी ना किसी तरह का फ्लॉ तो ज़रूर से रहेगा. सो अगर आप समवन हैं जो परफेक्शन में घुसे रहते हैं, उससे आपका कॉन्फिडेंस ही लूज़ होगा, क्योंकि आप प्रोजेक्ट ही नहीं फिनिश करेंगे. सो किया हुआ काम बेहतर होता है परफेक्ट काम से. सो हमेशा करने में यकीन करें, एक्शन लेने में, बल्कि आप सोचते रहें कि मैं तभी करूँगा जब परफेक्ट होगा. परफेक्ट समय कभी नहीं आएगा. एक और चीज़ है कि आप इस समाज में, इस दुनिया में हर एक बंदे को खुश नहीं कर सकते हैं. किसी ना किसी को तो कोई ना कोई दुख रहेगा ही आपसे. हर एक बंदा आपको पसंद नहीं करेगा. सो हर एक को खुश करने की कोशिश मत करें, क्योंकि हर एक के सोचने का तरीका डिफरेंट है, हर एक की जर्नी डिफरेंट है, और हर बंदा डिफरेंट तरीके से रिएक्ट करता है, और हर बंदा सेम ही चीज़ को डिफरेंट तरीके से पिक करेगा. आप देखना कि अगर आप किसी को कोई बात बताते हैं, वो दो तीन बातें डिफरेंट तरीके से बताना, वो सेम ही बात चाहता है, बट वो दो तीन डिफरेंट वर्ड्स यूज़ कर लेगा, जिससे उस बात का मीनिंग ही बदल जाएगा. सो ये हमारी बेसिक नेचर है कि हम जिस चीज़ को जैसे लेना चाहते हैं वैसे लेंगे. सो अगर आपको लगता है कि आप हर एक को खुश कर देंगे, तो आप हर एक बंदे को खुश नहीं कर सकते हैं. तो हर एक को खुश करने की ज़रूरत नहीं है आपको. आप अपने आप में मस्त रहा करें, हर बंदा आपसे खुश नहीं होगा. एक और चीज़ है, यस पेरेंट्स बहुत ज़्यादा मैटर करती है. आपको हमेशा फुल ऑन मेकअप में, फुल हाई क्लास में रहने की ज़रूरत नहीं है, बट अपने पर्सनल हाइजीन पे ध्यान रखें, अपने बालों को संवार के रखें, यू नो फिटनेस पे ध्यान दें, अपनी स्पिरिचुअलिटी पे ध्यान दें, अपने आप को थोड़ा सा सजा संवार लें. जो भी आपने आपको भगवान ने बॉडी दी है उसकी रिस्पेक्ट करें, उसकी टेक केयर करें. जितना आप उसको बेहतर बना सकते हैं उतना बेहतर बनाएं, जितना आप उसको सजा संवार सकते हैं उतना बनाएं. इससे बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस आता है बंदे में. आपने देखा होगा कि जिस दिन आप बहुत खूबसूरत लग रहे हैं, आपको अपना आउटफिट बहुत पसंद है, आपको अपना मेकअप बहुत अच्छा लगता है, आप किसी इवेंट में जाते हैं, तो आप हर एक को मिलने की कोशिश करेंगे कि हर
बंदा आपको नोटिस करें, आप बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे, कितने कनेक्शन बनाएंगे, कितनी नेटवर्किंग होगी उस दिन, जिस दिन आप बहुत खूबसूरत फील कर रहे होंगे, आपने अपने आपको शीशे में देखा ने कहा कि ओ माय गॉड मैं कितनी अच्छी लग रही हूँ. सो जिस दिन आप बुरे लग रहे होंगे, आप एक कोने में बैठे रहते हैं कि कोई मुझे देख ना ले. सो इसलिए पेरेंट्स भी बहुत ज़्यादा मैटर करती है, तो उस पर पूरा ध्यान दें. और अगर आप किसी इवेंट में जा रहे हैं और आपके पास समय नहीं है, तो एक रात पहले तैयार करके सो जाए कि आप कल क्या पहनेंगे, वो आउटफिट को ट्राई कर लें कि आप अपना बेस्ट दिखें, ताकि आप पूरा कॉन्फिडेंट रहें एंड खूब सारे कनेक्शन बनाएं एंड अपना 100% परफॉर्म करें. थोड़ा सा डिटैचमेंट में रहा करें, चीज़ों के साथ बहुत ज़्यादा प्यार ना करें, चीज़ों के साथ, बंदों के साथ, बंदों के साथ पूरा प्यार करें, बट एक्सपेक्टेशन थोड़ी कम रखें, थोड़ा डिटैच ही रहें. क्लिंगी बंदे होते हैं ना, जो आपके पीछे पीछे घूमते रहते हैं, अगर आपका बॉयफ्रेंड है तो आप बॉयफ्रेंड के पीछे दीवाने होकर घूम रहे हैं, या गर्लफ्रेंड के पीछे पागलों की तरह घूमते रहते हैं, किसी को अच्छा नहीं लगता है. आपने बहुत सारी मूवीज में देखा होगा कि एक लड़की है बहुत ज़्यादा प्यारी है और अपने बेस्ट फ्रेंड को बहुत ज़्यादा प्यार करती है, पर वो हमेशा क्लिंगी बन के रहती है और उसका बेस्ट फ्रेंड उसे भाव भी नहीं देता. वो बहुत प्यारी है, रियल लव करती है, पर वो क्लिंगी है. पर हाँ, बॉयफ्रेंड को पसंद आती है वो लड़की जो उसे बिल्कुल भाव नहीं दे रही है और उसके पीछे वो भागता है. सो अगर आप ऐसी सिचुएशन में हैं, आपसे क्लिंगी होया जाता है ज़बरदस्ती, तो कोशिश करें थोड़ा सा डिटैच रहें, अपने हस्बैंड को भी थोड़ा स्पेस दिया करें. हमेशा उनके साथ चिपक के मत बैठे रहा करें, थोड़ा सा उनको स्पेस दें और थोड़ा अपनी इंडिविजुअल पर्सनैलिटी बनाएं. कुछ ना कुछ नया करते रहें, कुछ हॉबीज़ करें, कोई क्लासेस ज्वाइन करें. आपकी अलग से एक पर्सनैलिटी होनी चाहिए, आपका अलग से एक अस्तित्व है. आपके पति जो हैं वही आप नहीं हैं. सो जितना आप डिटैच एंड जितना आप अपनी अलग से पर्सनैलिटी बनाएंगे, उतना ही आप अपने पति एंड बॉयफ्रेंड को भी अच्छे लगेंगे. जब आप दोनों बिजी हैं अपने अपने कामों में एंड जब आप इकट्ठे हो गए समय स्पेंड करते हैं, तो बहुत क्वालिटी वाला समय होता है. बट अनलेस यू आर क्लिंगी टू योर हस्बैंड, सारा दिन उनके पास उनके साथ चिपके रहते हैं, तो क्वालिटी वाला समय तो आएगा ही नहीं. वो भी गुस्सा हो जाएंगे, आप भी हो जाएंगे कि मेरे पति तो बदल गए हैं. सो ऐसा मत होने दें, थोड़ा डिटैच रहें. जितना आप डिटैच रहेंगे ना, उतना आप कॉन्फिडेंट भी फील करेंगे कि ये चीज़ मेरे पास है तब भी मैं खुश हूँ, अगर मेरे पास नहीं होगी तब भी मैं खुश हूँ. और आप देख लें कि उस चीज़ के बिना आप कैसे हैप्पी हो पाएंगे. जितना हम चीज़ों से या बंदों से डिटैच रहते हैं ना, उतना हम हैप्पी एंड कॉन्फिडेंट रहते हैं. हमें डर नहीं लगता है कि ये चीज़ कल मेरे पास नहीं होगी तो मैं कैसे जीऊँगा. सो प्यार करना बहुत इंपॉर्टेंट है. आप अपना 100% प्यार दें, अनकंडीशनल प्यार दें, पति को बहुत लव दें, बट क्लिंगी मत हों और बहुत सारी एक्सपेक्टेशन ना हो एंड थोड़ा डिटैचमेंट हो. प्यार हो पर डिटैच्ड प्यार. लास्ट में यही कहना चाहूँगी कि जब भी आप किसी से मिलते हैं, उनको अपनी प्रेजेंस में अच्छा फील कराएं, काइंड, हम्बल एंड अच्छी बातें, अच्छे तरीके से उनकी बातें सुने, बहुत अच्छा परफॉर्म करें उनको अच्छा फील कराने के लिए. लोगों को ना यही चीज़ याद रहती है कि आप उनसे कैसे मिले और आप कितने प्यारे एंड कितने काइंड थे. लोगों को ये नहीं याद रहता है कि आपने कौन से कपड़े पहने थे और आपके पास कौन सा बैग था. लोगों को आपकी प्रेजेंस याद रहती है कि उस उन्होंने कितना लव्ड फील किया, कितना यू नो हैप्पी होमली फील किया आपके साथ. सो अच्छा बिहेव करें. और आखिरी में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि कंपैरिजन मत करें अपने आप को किसी और के साथ. अगर आप मोटे हैं तो पतले लोगों से मत करें, या अगर आप काले हैं तो गोरे लोगों से. अगर आप सक्सेसफुल नहीं हैं और कोई बहुत सक्सेसफुल है एंड आपकी शादी टूट रही है, उनकी शादी बहुत खुश है, आपको नहीं पता है कि पर्दे के पीछे उनकी शादी कैसे होगी. लोग वही चीज़ दिखाते हैं जो वो दिखाना चाहते हैं. कंपेयर मत, क्योंकि जो कंपैरिजन है वो आपकी हैप्पीनेस को, खुशी को, हैप्पीनेस एंड खुशी एक ही चीज़ होगी, हैप्पीनेस को एंड कॉन्फिडेंस को चोरी कर लेता है. सो अगर आपको लगता है कि आप अपने आप को किसी के साथ कंपेयर करके उनका जो सक्सेस है वो छीन लेंगे, तो ऐसा नहीं होगा. ना ही आपकी किस्मत, आपके साथ जो चीज़ें होने वाली हैं वो कोई चोरी कर सकता है या उसको कोई आपसे छीन सकता है. वो आपको मिलके ही रहेंगी, जो आपके लिए रब ने प्लान किया है और या फिर जो आपने अपने आप अपनी ज़िंदगी में अट्रैक्ट किया है, उसको कोई छीन नहीं सकता. आप जो मर्जी कर लो, जिन्हें मर्जी दुखी हो जाओ, जिन्हें मर्जी कंपेयर कर लो, आपको वही मिलेगा जो आप अट्रैक्ट करें हैं. और जो दूसरे बंदे को देख के आप दुखी हो रहे हैं, जालस हो रहे हैं, उनसे वो जाएगा नहीं, उनको वो मिलता ही रहेगा. सो अगर आपकी ऐसी भावना आती है किसी पर्टिकुलर बंदे को देख के, तो उसे ना देखें, उनको अनफॉलो कर दें. उन्हीं को देखें जिनको देख के आपको कोई ऐसी फीलिंग नहीं आती है, या फिर सोशल मीडिया से दूर रहें. एक और चीज़ बताती हूँ, अगर आपको अपनी बॉडी में कुछ अच्छा नहीं लगता है, लाइक आपको अपने बाल अच्छे नहीं लगते हैं, नाक अच्छा नहीं लगता है, तो अपने आपको ज़्यादा शीशे में मत देखें, क्योंकि जितना देखेंगे उतना फिर सोचेंगे, उतना कंपेयर करेंगे. सो इससे अच्छा है ना देखें. फॉर एग्जाम्पल, मेरे चेहरे पर स्कार्स हैं. वैसे तो मुझे पता है, मैंने एक्सेप्ट कर लिया कि मेरे चेहरे पर स्कार्स हैं, पर जब मैं अपने आपको शीशे में देखती हूँ, फिर मैं देखती हूँ कि ओ तेरी ये स्कार्स हैं मेरे ऊपर.
ऐसे बुरा नहीं फील करती हूँ, बट मैंने नोटिस किया कि जब मैं ग्लासेस पहनती हूँ या कॉन्टेक्ट लेंस पहनती हूँ, मुझे बहुत क्लियर दिखाई नहीं देता है. सो कई बार मैं शीशा देखती हूँ और तब मैंने ना ग्लासेस पहने होते हैं ना कॉन्टेक्ट, मुझे दिखाई नहीं देता मेरे चेहरे पर स्कार्स है. कितना सही है ना, वो चीज़ देखो ही ना जो आपको अपनी अच्छी नहीं लगती है. सो उसको नहीं देखना ज़्यादा बेहतर है. अगर आप भी ग्लासेस पहनते हैं तो ग्लासेस को उतार के अपने आप को देखा करें, आपको आप बहुत खूबसूरत लगेंगे. आपको लगेगा कि आपके जैसा कोई है ही नहीं. सो अगर जो हमारे चीज़ हम में बुरी चीज़ है उसे इग्नोर करें और जो कुछ आपको अपने आप पे अच्छा लगता है उस पर फोकस करें. कुछ ना कुछ तो ज़रूर से होगा. अगर आपको अपना नाक अच्छा नहीं लगता, शायद आपको अपनी आँखें अच्छी लगती होंगी, बाल अच्छे लगते होंगे. सो जो अच्छी चीज़ है उस पर ज़्यादा फोकस करेंगे, उसको और संवारेंगे, सजाएंगे, ताकि दुनिया जब देखे वो भी हमारे बाल देखे, हमारे मोटे नाक को मत देखे, अगर आपके साथ ऐसा कुछ है. सो कहते ना कि अच्छी चीज़ पे फोकस करें, बुरी चीज़ को इग्नोर करें. सो हम अच्छी चीज़ पे फोकस करेंगे, बुरी चीज़ को इग्नोर करेंगे. सो दोस्तों, ये है कॉन्फिडेंस को लेके बातचीत. मैंने कितनी सारी चीज़ें बताई हैं, उम्मीद कर रही हूँ आपके कॉन्फिडेंस में थोड़ा सा चेंज आएगा. प्लीज़ इस सारी बातों को अपनी ज़िंदगी में यूज़ करें, सिर्फ सुन के छाड़ मत दें. क्या करना है आपको, किसी भी किस्म की मेडिटेशन, स्पिरिचुअलिटी एंड इनर वर्क करना है, ताकि आप अंदर से हील हों एंड अंदर से कॉन्फिडेंट फील करें. दूसरा है कि जैसे भी आप हैं एक्सेप्ट कर लें, आपका DNA ऐसा है, आपके पेरेंट्स ऐसे हैं, आपके दादे परदादे ऐसे थे, तो वैसे ही दिखेंगे आप. आपके पेरेंट्स होंगे किसी और किस्म के तो आप ऐश्वर्या राय जैसे तो नहीं दिखेंगे, आप उन्हीं के जैसे दिखेंगे. एक्सेप्ट कर लें. अगला है अपनी नॉलेज को बढ़ाते रहें, किसी भी किस्म की नॉलेज इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करते रहें, जितना आपके अंदर ज्ञान का सागर होगा उतना ही आप कॉन्फिडेंट होंगे. अगली चीज़ है कि अच्छे इंसान बन के रहें. जितना आप अच्छे इंसान होते हैं ना अंदर से, वो आपके चेहरे पर भी दिखता है, लोगों को भी अट्रैक्टिव लगता है, आप में भी अलग सा कॉन्फिडेंस आता है कि यार आई एम अ गुड गाय. एंड अगर आपके पास ऐसा ग्रुप है जो टॉक्सिक है, नेगेटिव है, या आपको नीचे खींचते हैं, या आप में बहुत सारी क्वालिटीज है बट आप दिखा नहीं पाते सिर्फ अपने दोस्तों की वजह से, तो उन दोस्तों से दूर रहें. सो आई थिंक सारा कुछ कवर कर दिया है मैंने आज की वीडियो देखने के लिए. बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों. जैसे मैं हमेशा कहती हूँ, आप जैसे भी हैं बहुत खूबसूरत हैं. आप इस दुनिया में कुछ भी कर सकते हैं एंड हमारे पास बहुत ज़्यादा लिमिटेड समय है कुछ भी करने के लिए. सो जितना भी बचा है खुशी खुशी जी लें, फुल फ्लज जी लें एंड परवाह मत करें. लव यू गाइज, बाय, सी या टुमारो.